पूजा और करण का शुभ विवाह। शुरू हुई शादी की रस्में। मेहंदी की रस्म में लगा नच का तड़का। भाई जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं पूजा सिंह और करण शर्मा। 30 मार्च को जुड़ जाएगा दोनों का गठबंधन। और ये कोई सीरियल का सीन नहीं बल्कि है रियल लाइफ शादी की रस्में। दोनों ही एक्टर्स हैं और रियल मेहंदी में ये दोनों कर रहे हैं जमकर धमाल। यहाँ डांस है, प्यार है, मस्ती है और है बहुत कुछ, जिसकी खास झलक आपके लिए ले आया है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियाँ। वैसे आपको बता दे कि पूजा सिंह को आप दिया और बाती हम, दिल से दिल तक और कई ऐसे सीरियल्स में देख चुके हैं। इसके अलावा करण शर्मा भी कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं, जैसे कि ससुराल सिमर का 2, उडारियां और कई और सीरियल्स। भाई दोनों ही एक्टर्स हैं और अपनी इन रियल रस्मों और रियल शादी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेहंदी की रस्म में क्या कुछ धमाल हुआ। दुल्हनिया पूजा के हाथों में लग रही है करण के नाम की मेहंदी। और इनकी मेहंदी और भी खास इसलिए है क्योंकि इनकी मेहंदी में शिव पार्वती जो बने हुए हैं, इसी के साथ बनाई जा रही है करण की तस्वीर भी। भाई इन पर तो चढ़ने वाला है प्यार का रंग। मेहंदी की रस्म में पूजा की मम्मी और उनकी ढेर सारी सहेलियां हैं, जिन्होंने मेहंदी के रंग में लगा दिए हैं 4 चांद अपने डांस से। खुशी की वो घड़ी आ गई है और पूजा की है मेहंदी। तो मेहंदी वाले हाथ दोनों रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे तैयारी चल रही है जोर शोर से, फुल ऑन तैयारी है। माय गॉड, शादी हो रही है। बिलीव ही नहीं हो रहा अभी तक। सो आज है मेहंदी का दिन और प्रियंका और चार्मी जो है इतना ब्यूटीफुल मेहंदी लगा रहे हैं मुझे। मतलब मैं वो मेहंदी को बार बार देख रही हूँ और मैं तब से सोची हूँ कि वाह, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वहाँ में शंकर पार्वती जी को बनाया है इन लोगों ने। मेहंदी की छोटी छोटी डिटेलिंग इन्होंने की है, चार्मी ने किया है, यहाँ पे प्रियंका ने किया। आप देख रहे होंगे हाथी घोड़े सब आपको दिख रहे होंगे मेरी मेहंदी में। सो इतने प्यार से दोनों मेहंदी लगा रहे हैं,
बहुत ही खूबसूरत, पूरा घर भरा हुआ है। एक माहौल अगर देखे तो यहाँ सभी मतलब मेहंदी जो है लगाने, मेहंदी है रचने वाली, वही वाला माहौल है। मेरे सारे दोस्त आज यहाँ हैं, जो हम पांच सहेलियाँ हैं हमेशा से, मेरे जो पुराने हमेशा से, और जो मेरी जो पांच जो सबसे अटूट मेरी जो सहेलियाँ हैं, जो हम लोग हमेशा 10 साल से साथ में, कहाँ है श्रुति, देवा, सुड्डू, आ जाओ। तो और भी एक मिनट, पुरानी देवा तो श्रुति ओके, तो श्रुति, देवा, सुड्डू, स्नेहा और मैं, हमारी पांच सहेलियों की टोली है जो हम पिछले 10-12 साल से साथ में है और एक दूसरे को झेल रहे हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि भाई आज जयपुर से कोई आया है, तो कोई आज आसाम से आया है, और कोई मलाड और भोपाल से आया है, और उसके अलावा ये जो मेरी पांच सहेलियों के अलावा, ओ मेरी बाकी की सहेलियां जरा इधर आइए, संध्या, छवि, इन लोग सब भी यहाँ पे है। वो देखिए, वो जो मेरी ननद बैठी हुई है, शिवानी, देखिए ननद जो मेरी बैठी है वहाँ पे, सोनम का है, सोनम वहाँ पीछे। भाई मेरी सहेलियों ने जो है ना 4 चांद लगा दिया है। और इसके अलावा ओ हो, एक मिनट, मैं मेरी यहाँ की एकदम सेक्सी गॉर्जियस आंटीज को कैसे भूल सकती हूँ। ओ माय गॉड, आप जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, भाई एकदम आंटीज ने एकदम 4 चांद लगा दिया, एंड ऑल आर सो स्वीट, एंड माय वन एंड ओनली मम्मा। अभी तो देख ही रही है किस तरह की खुशी है और किस तरह का माहौल बना हुआ है, और सब हैं, और हमारी जो सहेलियां हैं, इन लोग भी 4 चांद लगाती हैं। इनकी तो जो अलग है, हमारी भी अलग है। हमारी जो टोली है ना, मस्ती टोली, मंदिर वाली टोली, वो बहुत अच्छी है और बहुत साथ देती है। चलिए, तो लग रही है, और साथ में डांस के ठुमके तो लगना बनता ही है। मैं सच्ची बता रही हूँ, लोग यहाँ डांस कर रहे, मेरी सारी सहेलियाँ डांस कर रही हैं, और मैं मेहंदी तो लगानी है ना, तो लेकिन आपको रोक पा रही है, अपने आप को बहुत रोक रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे से हिल रही हूँ। बार बार प्रियंका और चार्मी मुझसे कह रहे हैं, दीदी हिलो मत, मैं बोला ओके, इतनी ब्यूटीफुल मेहंदी लगा रही है, तो मैं कैसे मेहंदी को वो कर सकती हूँ। एंड आई जस्ट थैंक टू बोथ ऑफ देम इतनी प्यारी मेहंदी लगाने के लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू चार्मी, थैंक यू सो मच। भाई इसी के साथ मेहंदी की इस रस्म में होती है दूल्हे राजा की एंट्री, जो आते ही डांस करने लगते हैं, और देखिए कैसे वो पूजा पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। भाई वाकई करण के आने से पूजा का चेहरा ही खिल गया। दूल्हे राजा करण मेहंदी के इस फंक्शन में देखिए कैसे नच का तड़का लगा रहे हैं पूजा की सहेलियों संग। भाई यहाँ तो रंग ही जम गया है। और फिर मेहंदी लगाने के बाद पूजा भी पहुंच गई है इस डांस में शामिल होने के लिए, और दूल्हा और दुल्हन मिलकर एक दूसरे की ताल से ताल मिला रहे हैं।
और फिर बारी आई दूल्हे राजा को मेहंदी लगाने की। और देखिए दूल्हे राजा अपने हाथों पर खुद की और पूजा की तस्वीर बनवा रहे हैं। भाई यही तो होता है प्यार। तो आइए पूजा और करण से करते हैं खास मुलाकात और जानते हैं इस मेहंदी की रस्म और इनकी लव स्टोरी के बारे में। सास बहू बेटियां भी शामिल हो गया है करण और पूजा की खुशियों में और रच गई है मेहंदी भी, लग गई है मेहंदी और अभी से कलर आना भी शुरू हो गया है। हाँ कलर बहुत ही गाढ़ा है, मतलब रंग जो है रच रहा है बहुत ही ज़्यादा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अलग ही फीलिंग है, मतलब ऐसी मेहंदी मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई, दोस्तों की शादी में भी नहीं लगाई और ये पहली बार ही लगी है। तो ये हम मतलब ये तो बहुत ही अलग ही कुछ है, ऐसा लग रहा है पूरी ज़िंदगी भर ये रहने वाली है, ये छाप जो है दिल पे ऐसे छपने वाली। सो यू गाइस कैन सी इट। तो पूजा कैसी लगी करण की मेहंदी? आई एम सरप्राइज्ड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओहो, और स्पेशली इसमें लिखा हुआ है माय लव, दैट्स सो स्वीट। सो या इट इज वेरी नाइस, इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड आई लव्ड इट। और करण पूजा की मेहंदी के लिए क्या कहोगे? मेहंदी तो बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब एक तो इनके गोरे गोरे हाथ हैं उन पे जो मेहंदी लग रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा होता है, लेकिन जो मेहंदी है ये बहुत ही ज़्यादा खिल रही है गोरे हाथों में, गोरे गोरे हाथों पे। तो क्या आज कौन सा गाना ध्यान आ रहा है पूजा को देख के, आपके मन में कौन सा सॉन्ग बज रहा है? ये तो यार मेहंदी वाला जो गाना आता है, मेहंदी है रचने वाली वो वाला जो है, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, इसके आगे आता है कहीं सखियां हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को कई खुशियां मिलने वाली है। क्या बात है। तो अभी तो रस्मों की शुरुआत हो गई है, मेहंदी हो गई है और बाकी रस्में बाकी है, हल्दी संगीत शादी। बिल्कुल बिल्कुल, हल्दी है फिर संगीत है एंड देन नेक्स्ट डे शादी, शादी है। तो या लंबा चौड़ा सीक्वेंस है। हमारे चाहने वाले सब आने वाले हैं एंड बहुत छोटी सी हमने कोशिश की है कि मतलब कॉम्पैक्ट शादी करने की कोशिश की है। तो शुरू तो हुआ था कि एक मंदिर में शादी करेंगे, वी बोथ हैव गॉन थ्रू समथिंग इन लाइफ, सो वी थॉट कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल वन, एक शादी मंदिर में कर लेते हैं और चार लोगों को बुलाएंगे। तो चार जैसे जोड़ने शुरू किए तो चार से 14 हो गए, 14 करते करते 40 हो गए, 400 हो गए। मैंने कहा यार ये तो अब सोचा तो कितना भी छोटा कर लें, तो फिर हमने सोचा कि यार लाइफ लॉन्ग के लिए एक मेमोरी है, तो लेट्स ठीक है हिम्मत करके सबको बुला लेते हैं जो भी खास खास हैं, जो छूट गए तो सॉरी दोस्तों, बिकॉज हमने बहुत जल्द ही ये डिसीजन लिया, चटमंगनी पट ब्याह वाला है, पट ब्याह वाला हिसाब है। बोलते हैं ना जब इंसान को ही सही मिलना होता है तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो यही फ्रेज है हमारे ऊपर कि मतलब हम मिले और पता नहीं वो जो कारवा था वो कब से लेकर। पूछना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, कब कैसे मिले, कैसे ये बात आगे बढ़ी, कब कैसे मिले, कहाँ है वो लड़का, वो इंसान कहाँ है? तुषार, सो जिससे हम मिले, जिनके थ्रू हम मिले, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी। अब वो घर मेहंदी वाला है, शादी वाला तो सब यहाँ वहाँ, मैं चाहती हूँ कोई अगर उन्हें बुला दे तो। सो आ रहे यार, सो ये है
सास बहू बेटियों को और मैं सभी दर्शकों को जिनको अभी तक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बिकॉज इंडस्ट्री में हम हैं तो लोगों को लगता है अरे ये कैसे, आज तक डेटिंग की खबर कभी नहीं सुनी तो ये कैसे, तो ये मैं बताती हूँ, ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ हमारे हम दोनों के दोस्त तुषार को, बिकॉज ये हम दोनों के दोस्त हैं और इनको अचानक से एक दिन ये एक दिन इनसे मिलते हैं और नेक्स्ट डे मुझसे मिलते हैं और अचानक से इनको थॉट आता है अरे मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं ये दोनों साथ में क्यों नहीं है। सो बस मैं यही बताना चाहती हूँ ओवरऑल स्टोरी की यही है कि इन्होंने ही वो जो आइडिया है, वो जो सीड है हमारे दिमाग में डाला था, देन वी मेट एंड वी क्लिक्ड, हम ऐसा क्लिक किए, उसके बाद तो शूट करने चले गए बट क्लिक ऐसा हुआ कि भाई आइए आप शूट से और शादी कर लेते हैं, तो ये ऐसा हुआ है हमारे साथ। इट वॉज सपोज टू बी इनिशियली हम जब मिले तुषार ने हम इंट्रोड्यूस किया तो तुषार ने बोला भाई मतलब कि बिल्कुल तेरे जैसी लड़की है मेरे जैसी लड़की मतलब बिल्कुल तेरे जैसे थॉट की है जैसा तू है। मैंने कहा ओके, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इनिशियली बट मैंने कहा ठीक है देखते हैं। करण ने फिर बोला था थोड़ा फोटो दिखा ना जरा फोटो से लेकर अब बात यहाँ तक आ पहुँच गई पता है कि फोटो शर्मा जी को दिखाया गया होगा तब तो बात तो आगे बढ़नी ही थी तो बस वो कारवा यहाँ तक पहुँचा है और क्या। हाँ फिर हम लोग मिले एक कॉफ़ी शॉप में ऐसे ही अचानक एंड देन वहाँ से फर्दर वी थॉट कि ओके वाइब मैच कर रही है तो लेट्स टेक दिस थिंग्स सीरियसली और हमने कहा कुंडली वगैरह मैच कर लेते हैं यार आई डू बिलीव इन कुंडली। सो कुंडली वगैरह मैच की तो वो भी अच्छे से मिल गई। कहते हैं ना कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तभी इंसान आगे बढ़ता है। ये मेरी हंसी में मिक्स्ड इमोशन आ रहा है। मैं तो रेडी हूँ भाई, शर्मा जी कितना रेडी है वो मुझे नहीं पता। मैं तो रेडी हो रहा हूँ दिन ब दिन रेडी हो रहा हूँ। मैं तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ चुकी हूँ। तो भाई ये तो थी पूजा की मेहंदी की रस्म, अभी और रस्में होना बाकी है और फिर शादी जिसके सारे नज़ारे आपके लिए ले आएगा सास बहू और बेटियाँ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 हेल्दी एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और हाँ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहू और बेटियाँ।